assalamu alaikum dear students dear students we are studying a chapter acids bases and salts and in this chapter we were discussing some important compounds and this is the last important compound which we have to study in this chapter that is sodium carbonate we have dis we have to discuss the preparation properties and uses of sodium carbonate मेन पर ये आपको दिमाग में रखना है दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अर चैप्टर एसडस बेसिस एंड साल्ट नाउ द फार्मूला ऑफ़ सोडियम कार्बोनेट इज एन ए टू सी ओ थ्री एन ए टू सी ओ थ्री दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट नाउ माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू कैप्ट इन माइंड दिस सोडियम कार्बोनेट एग्जिट इन डिफरेंट फार्मज इट एग्जिस्ट इन ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्मस ये एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स में या आप वेरियस फॉर्म्स में कह सकते हो एक को कहते हैं एनहाइड्रस एनहाइड्रस का मतलब है म्यून जिगर जब इस सोडियम कार्बोनेट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ भी नहीं होता है एनहाइड्रस मतलब इसने इस टाइम मॉइस्चर एब्सर्व नहीं किया होता है तो इसको एनहाइड्रस कहते हैं याद रखिएगा जब एनहाइड्रस फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट होता है एट दैट टाइम हम उसको कहते हैं सोडा ऐश म्यून जिगर इंपॉर्टेंट नेम है क्या इसको कहा जाता है इस टाइम इसको कहा जाता है सोडा ऐश पहले सुनिए सर ये क्या आपने लिखा ये बहुत सारे फॉर्मल में एग्जिस्ट करता है वेरियस फॉर्मल में एग्जिस्ट करता है मतलब ये कभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑब्जर्व करता है किसी में कम होता है किसी में कुछ होता ही नहीं है जब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ होता ही नहीं है तो एट दैट टाइम हम सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं एनहाइड्रस फॉर्म में है इस टाइम जो जो फार्मूला इसकी है इट इज़ एन ए टू सी ओ थ्री और म्यून जिगर उस टाइम जब ये एनहाइड्रस फॉर्म में होता है तो एट दैट टाइम हम इसको कहते हैं सोडा ऐश और म्यून जिगर कभी कभी इसमें एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इसको कहते हम एट दैट टाइम हम इसको कहते हैं मानोहाइड्रेट 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 का मतलब है जब इसके पास एक वाटर मॉलिक्यूल होता है इसको कहते हैं एन ए टू सी ओ थ्री आपको पता है जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तो वो हम डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं डॉट एच टू मतलब दिस वाटर इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस टाइम वाटर मॉलिक्यूल एक है इसको कहते हैं मानोहाइड्रेट और म्यून जिगर दूसरा है इसको कहते हैं डेका तीसरा डेका हाइड्रेट। डेका हाइड्रेट का मतलब है इस टाइम वह सोडियम कार्बोनेट के पास दस वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दस वाटर मॉलिक्यूल्स की मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है टेन टाइम तो याद रखिए ये जो डेका हाइड्रेट है एट द टाइम हम सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं वाशिंग सोडा क्या कहते हैं हम इसको वाशिंग सोडा तो आप इसको एक और हाँ ये जो है ना आप इसको कहते हो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या कह सकते हो इसको आप सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बात सुनिए वाशिंग सोडा चन क्या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट तो आपने सुना हम सोडियम कार्बोनेट को दो नामों से बुलाते हैं एक को कहते हैं सोडा ऐश वाशिंग सोडा भी कहते हैं सोडा ऐश उस टाइम हम कहते हैं जब इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ होती नहीं है जब इसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तो हम उसको कहते हैं एट दैट टाइम वाशिंग सोडा क्या कहते हैं वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट की फार्मूला एन है ये एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फार्म में एनहाइड्रेस में मानोहाइड्रेट में डेकाहाइड्रेट में जब इसके पास डेकाहाइड्रेट होता है दस वाटर मॉलिक्यूल होता है तो इसको कहते हैं वो सोडियम कार्बोनेट है डेकाहाइड्रेट जब इसके पास दस वाटर वाटर एट दैट टाइम हम इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं सोडा कब कहते हैं जब इसके पास कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है इतना समझ आया मेन जिगर आपको शाबाश फिर आप जानते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इजिली रिमूव हो जाते हैं अगर हम हीट देंगे तो वो रिमूव हो जाती है फिर अगर मॉइस्चर में हम एब्ज रखेंगे इसको तो ये फिर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्जॉर्ब करते हैं तो इसके बाद बात करेंगे हम प्रेपरेशन की प्रेपरेशन मतलब सोडियम कार्बोनेट की प्रेपरेशन कैसे है ये कैसे हम बनाते हैं याद रखिएगा इट कैन बी प्रपेर्ड बाय हीटिंग बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट बाय बाई सॉल्वे प्रोसेस ओबेंड बाय सॉल्वे प्रोसेस समझ इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा भी बेकिंग सोडा मैन्यू गोब्रो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं सोडियम कार्बोनेट को हम इसको प्रिपेयर करते हैं बाई हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं ये मैंने कल भी आपको कहा कल हमने सोडियम बाइकार्बोनेट का पढ़ा सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं ये जो हमने बनाया बेकिंग सोडा जो हमने बनाया मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट हमने सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू कल हमने बनाया जब हमने एमोनिकल ब्राइन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास के वहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बना और निकला था मैं क्या सोडियम और बना था म्यूंज कर सोडियम बाइकार्बोनेट तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे अगर कोई कहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट कहाँ से बना था ये सॉल्वी प्रोसेस के थ्रू बना था तो सिंपली हम कैसे प्रपेयर करते हैं सोडियम कार्बोनेट को हम प्रेपेयर करते हैं सोडियम कार्बोनेट को बाई हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके तो ऐसे है टू एन एच सी ओ थ्री इसको हीट देते हैं जब इसको हीट देते हैं यहां पे एन ए टू सी ओ थ्री बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है बाहर तो ये जो एन ए टू सी ओ थ्री बना कार्बोनेट यही तो हमें चाहिए था इसी की प्रेपरेशन तो हम कर रहे थे तो म्यून जगह हम प्रेपरेशन की अगर बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट uh, की ये बनाते हैं बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट विच वॉज ऑप्टेटेड बाई सॉल्वे प्रोसेस तो अगर आपको म्यून जगह हाँ आपको अगर हमें चाहिए वाशिंग सोडा हमें मिला सोडियम का अगर हमें चाहिए वाशिंग सोडा तो हमें रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे क्या करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन 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 सोडियम कार्बोनेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स मैं मैन जगह वाशिंग सोडा गिविंग वाशिंग सोडा वॉशिंग सोडा जो आपको पता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इधर देखिए एन ए टू सी ओ थ्री प्लस टेन टाइम्स वाटर प्लस टेन टाइम्स वाटर तो ये बनाएगा एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन टाइम्स वाटर और यहाँ पे हमें मिला वाशिंग सोडा जिगर मैंने समझ चाहवन तो हमें कैसे वाशिंग सोडा मिलता है जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं सोडियम कार्बोनेट को और जहां हम वहां हमें मिलता है वॉशिंग सोडा सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू जो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला था जब हमने इसको हीट किया था वहां सोडियम कार्बोनेट बना था तो रिक्रिस्टलाइजेशन सोडियम कार्बोनेट को जब हम करते हैं तो वहां पर हमें वाशिंग सोडा मिलता है म्यून जिगर दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ म्यून जिगर किसकी प्रेपरेशन थी है? ये थी प्रेपरेशन सोडियम कार्बोनेट की अब इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करेंगे प्रॉपर्टीज की पहली प्रॉपर्टी जो ए, है इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्रिस्टलाइन आपको पता है विच हैज रेगुलर ज्योमेट्री विच हैज रेगुलर ज्योमेट्री दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है it is readily soluble in water to form an alkaline solution readily soluble in water readily soluble in water to form an to form an alkaline solution मैंने गुबरों हम इसको सॉलेबल करते जब हम इसको वाटर में डालते ये रेडिली सॉलेबल है और म्यून जिगर ये बनाता है बेसिक सॉल्यूशन क्या बनाता है बेसिक सॉल्यूशन मतलब सोडियम कार्बोनेट को आप वाटर में डाल दो ये क्या बनाएगा अल्कलाइन सॉल्यूशन मगर ये रेडिली डिजॉलव होता है तीसरी प्रॉपर्टी जो है इट इज स्टेबल इट इज स्टेबल बट हाई इन नेचर बट हाई ग्रास इन नेचर स्टेबल है मगर म्यून जिगर ये हाइग्रास्कोपिक भी है हाइग्रास्कोपिक का मतलब है जो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर वट डू यू मीन बाई हाइग्रास्कोपिक हाइग्रास्कोपिक का मतलब है विच म्यून जिगर क्या करता है विच एबजॉर्बज मॉइस्चर फ्पल हम इम्प्योर एनई सी एल को सो रॉक साल्टॉर्ब मॉइस्चर करता है तो हम कहते हैं एनी सी एल इज हाइग्रोस्कोपिक। मतलब विच एबजॉर्बज मॉइस्चर फ्राम द सराउंडिंग समझ और फोर्थ वालापोजर टू आयर आन एक्सपोजर टु आयर आन एक्सपोजर टु आयर इट लूज मॉलिक्यूल इट लूज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैंने गबरी क्या को मतलब जब हम सोडियम कार्बोनेट को एक्सपोज करेंगे आयर से आयर से मतलब आयर को एक्सपोज करेंगे ये आयर के सुन, मगर ड्राई आयर आयर ग ड्राई आयर ये जो सोडियम कार्बोनेट है ना यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे हो नूनस मन चुनाव एब्जॉर्ब आसन कर्मुप जब हम उसको थोड़ा सा सनलाइट की ओर रखते हैं ना वो वाटर वहां से एवॉपरेट हो जाता है तो वही मसला यहां पे भी होता है जब सोडियम कार्बोनेट को आप एक्सपोज करते हो ड्राई आयर को ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है और उस प्रोसेस को कहते हैं इफ लोरिस क्या कहते हैं इधर देखिए एन ए टू सी ओ थ्री टेन टाइम्स वाटर यह क्या वन वाशिंग सोडा जब आप इसको एक्सपोज करते हो ड्राई आयर को क्या करते हो एक्सपोज ड्राई एयर को मून जगह ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव क्या करान वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव यहां पे इसने कितने रिमूव किए एक वाटर मॉलिक्यूल अभी भी इसके साथ है इसने नौ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाले नौ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकले वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकले जो ये नव वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकले कहां से जिगर में उन? कहां से शाबाश इस सोडियम क्लोराइड से इस सॉरी सोडियम कार इस वॉशिंग सोडा से नाइन वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकले इसको कहते हैं इफ इस प्रोसेस को कहते हैं इफ अगर वे काम में तो व्हाट इज एफ्लोरेसेंस आप कहोगे सपोन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय एन हाइड्रेटेड साल्ट सपोन्टेनियस जब ये खुद ब खुद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस करेगा जब हम इसको एक्सपोज करते हैं ड्राई एयर को इट इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस इट इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं व्हाट इज एफ्लोरेसेंस एफ्लोरेसेंस का मतलब है स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाई ए हाइड्रेटेड साल्ट ऑन एक्सपोजर टू आयर इज नोन एज ए फ्लोरिसंेंस ऑन म्यून जिगर हाँ अब अगर हम इसको स्ट्रांग हीट करेंगे इस सोडियम कार्बोनेट को अगर हम स्ट्रांग हीट करेंगे एनी टू सी ओ थ्री टेन टाइम्स वाटर को स्ट्रांग हीट करेंगे ये सारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा और बनाएगा सोडा ऐश क्या बनाएगा सोडा ऐश जो मतलब ये इसको एनहाइड्रस बना देगा अगर पत एनहाइड्रस एनहाइड्रेस बेथे उन मॉइस्चरस को ये फिर से वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वाटर किसी अब्सॉर्ब करेगा और बनाएगा हाइड्रेटेड ये जो मोनोहाइड्रेट और डेकाहाइड्रेट है दीज आर टू हाइड्रेटेड फॉर्म्स पहला वाला एनहाइड्रस है फिर से सुनिए जब हम एक्सपोज करते हैं वा, सोडियम वाशिंग सोडा को Na2CO3 10 टाइम्स वाटर को ड्राई एयर वहां पे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस होती है ये खुद हो गई है कब जब हमने इसको ड्राई एयर के पास रखा है तो इस स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय एन हाइड्रेटेड साल्ट जब हम इसको एक्सपोज करते हैं ड्राई एयर इसको कहते हैं एफलोरिसनस एम पों तो याद था अगर हमने सोडियम हाइड्रो वॉशिंग सोडा को स्ट्रांग हीटिंग दी ये सारा वाटर मॉलिक्यूल एट अ टाइम निकालेंगे दस वाटर मॉलिक्यूल सारे एट अ टाइम निकाल देंगे तो बना देगा ये फॉर्म मतलब बना देगा ये सोडा ऐश बना देगा इसके बाद हम इसके यूजेस की बात करेंगे यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट तो पहला वाला जो यूज है इट इज यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर इन वाटर सॉफ्टनिंग इन वाटर सॉफ्टनिंग इन वाटर सॉफ्टनिंग काम आ लॉन्ड्रिंग लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग। मैन्यो जुगर सोडियम कार्बोनेट हा कर एक्ट एज ए वाटर सॉफ्टनर क्या सो वाटर सॉफ्टनर ये मैंने आपको पढ़ा नहीं ये आपने नहीं अभी पढ़ा लेकिन याद रखिएगा जब एक को आ, उस साल्ट को कौ हार्ड वाटर क्या कहते हार्ड वाटर तथ वाटरस वन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ज्यादा होता है अगर सो वाटर आ सॉफ्ट बना मतलब सॉफ्ट वाटर मतलब वो वोशि पा तु तुम्हें फिक्र ये साबन यूज करा हार्ड वाटर से साबन सन्नत हूज कर बिक्र सब बनान मोन जगह सॉफ्ट वाटर के साथ इजीली करता है डर्ट इजीली निकलता है वन हार्ड वाटर इस मैं मेल नहीं निकलता है हमें इसको सॉफ्ट कन्वर्ट करना पड़ता है तो वो कन्वर्ट करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं तो ये वाटर सॉफ्टनर है मतलब ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना सकता है ये हम सोप्स में अच्छे से पढ़ेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर और लॉन्ड्रिंग में कपड़े धोने के काम आता है वॉशिंग सोडा और क्लीनिंग में ये आपको पता है दूसरा इसका जो यूज है इंपॉर्टेंट यूज दूसरा इंपॉर्टेंट यूज जो है इट इज यूजड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास 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 कामा सोप एंड कास्टिक सोडा एंड कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा बनाने के मतलब एनए एन एच को भी बनाने के लिए काम आता है सोप ग्लास बनाने के लिए भी ये काम होता है तीसरा इट इज यूजड इन मेकिंग इन मेकिंग इन पेपर कामा पेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ये पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है ये पेंट इंडस्ट्री में भी यूज और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है समझते वो मे उन जिकर तो ये वाटर सॉफ्टनिंग में भी यूज़ होता है वाटर सॉफ्टनर एक्ट करता है और इट इज़ यूजड इन लेबॉरेट्री फॉर क्वालिटेटिव एंड एनालिसिस इसके बहुत सारे यूजेज़ हैं मेन जगह वाटर सॉफ्टनर लॉन्ड्रिंग वाशिंग क्लिनिंग हैं ग्लास मैनुफैक्चर ऑफ ग्लास मैनुफैक्चर ऑफ सोप मैनुफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा या इट इज़ यूजड इन मेकिंग पेपर पेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहाँ पर यूज़ होता है और मून जगह ये भी याद रखिएगा ये लेबॉर्टरी में यूज़ होता है हूँ फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस बेटा समझ आ रहा तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज होता तो दीज वर सम यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट ये आपको दिमाग में रखना एक बार फिर मैं जल्दी जल्दी इसको रिपीट करूंगा सोडियम कार्बोनेट की फार्मूला एन है ये एग्जिस्ट करता एन्ह... है वेरियस फार्म में एन एनहाइड्रेस में मानोहाइड्रेट और डेकाहाइड्रेट में मानोहाइड्रेट एन ई टू सी ओ थ्री वाटर एक डेकाहाइड्रेट दस वाटर मॉलिक्यूल जब इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसको कहते हैं उस टाइम सोडा सोडाइश जब दस वाटर माल तो वाशिंग सोडा एम में पूछा जाता है प्रेपेयर कैसे करते हैं हम हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा जो ऑब्टेन हुआ है सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू तो टू एस एन को हीट देते हैं एन ए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिक्रिस्टलाइजेशन सोडियम कार्बोनेट गिवस वाशिंग सोडा समझ वो आपने पढ़ा है तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर इनशा इसके आगे हम कल बात करेंगे अल्लाह हाफिज